Ponfix Hyderabad, Android MMC and iPhone Training Center, and ISO 9001:2015. India's best mobile repair training center. Join today, join immediately for your better future. Thank you very much. तो आज हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं ये कौन सा सेक्शन है? लाइटिंग लाइट सेक्शन. किसका है? बैकलाइट. इसको बीएलबी बोलते हैं या बैकलाइट भी. एलसीडी लाइट. तो यहाँ पे हम जो मॉडल निकाले ये कौन सा मॉडल है? बीएलबी. तो आप लोग ही सेलेक्ट करें ना मॉडल. ये कोई भी मॉडल में देख सकते हैं हम. लाइट तो लाइट बनाना है अपने को. अगर आपको कनेक्शन मालूम हो जाए इनपुट और आउटपुट में क्या मिलता है और आईसी उसमें कौन सी लगते हैं इजीली बना सकते हैं. ठीक है, पहले अपन स्टेप बाय स्टेप लिखते गए इसमें कि लाइट के आउटपुट में क्या सप्लाई होती है, इनपुट में क्या होती है, कंट्रोलिंग में क्या क्या आता है, ये सब चीज क्या करें हम स्टेप बाय स्टेप देखें. तो यहाँ पे जो कनेक्टर बनाए हम लोग कितने पिन का बनाए? 40 पिन का. कितना? 40 पिन में कहाँ पे लाइट का सप्लाई आता सब लोग ढूंढ सकते हैं? कंफ्यूज नहीं हो जाते? बताओ भाई. नहीं सर, 50 पिन का कनेक्टर है, 40 पिन का है, लाइट का एनोड लाइन कौन सी है, कैथोड कौन सी है, कंफ्यूज तो नहीं होते? सब लोग ढूंढ सकते ना भाई. तो यहाँ आने से पहले आता था क्या ऐसा? नहीं सर, कंफ्यूज होते थे होंगे. 40 50 पिन है, ढूंढे कहाँ, डायग्राम मिले या कहीं लाइट का सोल्यूशन मिल जाए, जंपर पिन मिल जाए, गूगल पे डाल देते होंगे. पता जाएगा नहीं होता? अभी जरूरत तो नहीं है ढूंढने की, डायग्राम रीड करने. किसको किसको आता है भाई? अभी थोड़ा हाथ उठा के बताइए. सबको समझ में आ रहा ना? ठीक है, आपको फर्स्ट प्रेशर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कनेक्टर बना लिए और यहाँ पे हमारी लाइट आईसी कितने लेग का है? 6 लेग का. कितना? 6 लेग का आईसी है. तो सबसे पहले हम कोई भी आईसी में इनपुट सप्लाई देखते हैं. क्या देखते हैं? इनपुट. एक आईसी को इनपुट देंगे तभी तो वो क्या निकलता है? आउटपुट निकलती है. वो आउटपुट निकालने के लिए उसको ग्राउंड देना पड़ता है या कंट्रोलिंग लाइन देनी पड़ती है, तो सीपीयू से कनेक्शन होता है या तो पावर के साथ कनेक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन हम दे रहे हैं, क्या नाम है लाइन का? कहाँ से आता है थोड़ा सा बताओ, सबको बताए. यस सर नो बताओ. पीपीएच में कितना वोल्टेज होता है पता है? बताना नहीं है. यस सर नो में आंसर. यस सर. यस सर. पता है बीपीएच में? अच्छा, वो वोल्टेज नहीं आए तो क्या करना है ये भी पता है? अच्छा, कहाँ से नहीं आएगा? नहीं आएगा तो अगर ये वोल्टेज की लाइन ही अगर कट हो जाए तो क्या ये आउटपुट निकालेगी? क्या निकालेगी? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इनपुट. तो यहाँ पे वी इन मतलब वोल्टेज, इनपुट सप्लाई क्या है? वोल्टेज इनपुट. वोल्टेज इनपुट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बीपीएच. तो कितने नंबर पे आ गया? 6 नंबर. कितने? 6 नंबर. वोल्टेज चेक कर सकते हैं? ठीक है, 6 नंबर पे जब आया तो यहाँ पे बीच में क्या मिला? अपने पुश कॉइल. क्या मिला? पुश कॉइल. पुश कॉइल से वो कितने नंबर पे जा रहा है? 4 नंबर. कितने? 4 नंबर. यहाँ पे 4 नंबर पे जब जा रहा है तो यहाँ पे SW लिख के, तो यहाँ पे होती है आपकी स्विचिंग. क्या होगी? स्विचिंग. क्योंकि लाइट को जलाने के लिए हमको हाई वोल्टेज चाहिए, हाई एम्पीयर चाहिए. 4 वोल्ट से लाइट तो जलेगी नहीं हमारी. ये नॉर्मल लाइट है, सैमसंग की तो है नहीं जो कि 7 वोल्ट पे चल जाए. ये हमारी नॉर्मल लाइट है, तो इसको जलाने के लिए हमको वोल्टेज कितना चाहिए सबको बताए? बोलो भाई. 4 में तो नहीं जलती ना. तो यहाँ पे क्या हो जाता है वोल्टेज? वो बूस्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? बूस्ट हो जाता है. ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन 4 नंबर की जो लाइन है किसके साथ कनेक्टेड है? डायोड के साथ. किसके साथ? डायोड के साथ. थोड़ा इधर बताइए, डायोड अगर से आपके पास कस्टमर दूसरे टेक्नीशियन के पास भी जाए क्या आएगा? तो उन्हें जैसा निकाला वैसा लगा था क्या? तो उसका अगर उन्हें उल्टा लगा दे या खराब लगा दे, खराब लगाए तो चेकिंग आता है? अच्छा, उल्टा लगा दे तो समझ सकते हैं? अपने को पता है ना कि एनोड किधर है और किधर आना चाहिए? यहाँ आने से पहले मालूम था क्या? लाइट में अंदाजे पे लगाते, मैं भी देखा हूँ, इधर लगा देते नहीं आ रहा तो फिर घुमा के लगाते. अरे क्यों पलटा रहे? बोले तो बोलेंगे सर ऐसा लगाए तो नहीं आ रहा था तो ऐसा लगा के देख रहे. ऐसा करते थे आप लोग? अभी तो नहीं करते. पलटा के लगाने से काम करता क्या डायोड? सप्लाई तो रुक जाती ना उसकी. तो अभी एनोड किधर आना, कैथोड किधर आना सब लोग को मालूम है? डायग्राम में भी देख सकते हैं और बोर्ड में. अगर मैं यहाँ पे डायग्राम खोल के रखा हूँ उसका, ठीक है, ये डायोड कहाँ लग के सबको पता है? यहाँ पे हम लोग देखे नंबर क्या है? ये डायोड बोर्ड के अंदर. किसके अंदर? बोर्ड के अंदर. मैं आ जाओ भाई इधर. बोर्ड के अंदर कहाँ लग के डायोड बताओ जल्दी से. सब लोग कर सकते हैं? कंफ्यूज तो नहीं होते? अरे सर बोर्ड में कहाँ ढूंढे, डायग्राम में तो मिल गया. क्या नंबर है डायोड का? 902. क्या है? 902. और ये डायोड 904. 904. क्या है? 904.
मिल गया ना भाई। अब ये डायोड सीरीज है क्या पैरेलल है बता दो जल्दी से। सीरीज से। वेरी गुड, सीधा देख के बताओ कैसा है डायोड। सीरीज में सबको मालूम है ना भाई, सीरीज कंपोनेंट क्या होते हैं, पैरेलल क्या होते हैं, सबको पता है, चेक कर सकते हैं ना। पूछते हैं सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, बेसिक चीज है वो तो है ना। ये डायोड कैसा मिलेगा सीरीज सीरीज में। आपका नाम क्या है, इधर क्या नाम है? दाऊद। कहाँ से है आप? नेल्लूर। नेल्लूर से। कब से काम कर रहे थे? डेढ़ साल से। अच्छा डायग्राम वगैरह कभी रीड करने आता था? नहीं सर। कहाँ सीखे? कितना दिन हो गया अभी? 5-6 दिन हो गया। अभी डायग्राम में कोई भी कंपोनेंट दे दूं, सीरीज है, पैरेलल है, कहाँ लग के है, या वो डायोड है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, क्रिस्टल है, आईसी है, जैक है, कनेक्टर है, सब ढूंढ सकते हैं। 5 दिन में सीखे ये? पहले ऐसा तो नहीं आ रहा था आपको? कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? इंडिया से उधर देखे बताएंगे। इधर आओ बोलता सर, फोन फिक्स हैदराबाद। थोड़ा आवाज जोर से। फोन फिक्स हैदराबाद पे आओ बोलता सर। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। कैसा सिखा रहे हैं यहाँ पर? अच्छे से सिखा रहे। आप लोग भी थोड़ा सा बताइए वही। यस सर। समझ में आ रहा है? पहले आता था क्या ऐसा? आने से पहले एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे, तब जाके समझ में आ रहा होगा है ना। और जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इसके बाद हम क्या करते सब लाइव चेक करते हैं कि नहीं करते? सब चीज प्रैक्टिकल करते हैं ना। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास। यहाँ पे डायोड तक हम पहुँच गए थे कि उसके बाद में डायोड से माइनस के सिरे से आगे क्या मिलेगा अपने को? कैपेसिटर। नाम बताओ। लोड क्या? हाँ लोड क्या? लोड क्या? कितने वोल्टेज का है? 50 वोल्ट। बोलो भाई। 50 वोल्ट बोले तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाते? ये 50 वोल्ट क्या है सर बोल के? नहीं सर। दिखाना यहाँ पे 50 वोल्ट का क्या दिखाना यहाँ पे? ठीक है। कैप के बाद में फिर क्या मिला अपने को? रजिस्टर। 923 क्या है? 923। आप आओ कहाँ लग के बोर्ड में बताओ। 923। सब लोग ढूंढ के बता सकते हैं बोर्ड में कहाँ लग के कौन कौन बता सकते हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के हाँ सर। सब लोग बता सकते हैं ना। चलो इधर देखो भाई, क्या नंबर चाहिए? 933। वेरी गुड। बोर्ड में यहाँ पे लग के मिल गया ना अपने को। और कितने वैल्यू का है वो भी बता दो जरा जाकर उधर। सही बोला ये? सही बोला। एक बार जोरदार इनके लिए क्लास। तेलुगु में बोलो कहाँ से आप? फ्रॉम वाइजाग। वाइजाग। पहले कब से काम कर रहे थे? नहीं सर। कभी भी नहीं करते? फ्रेशर है बिल्कुल। पहले कभी काम नहीं करते? अभी मैं देखा आपको हैंड स्किल का काम भी कर रहे हैं। क्या क्या कर लिया इसमें में काम थोड़ा सा बताइए। पहले क्या सीखा? रिबॉलिंग सिखाया आपको? रिबॉलिंग, ब्लैक पेस्टर, व्हाइट पेस्टर, रिमूविंग एंड फिक्सिंग। ऑल यू हैव डन। एंड ब्लैक पेस्टर आई सी कैन यू क्लीन वेरी इजीली? एनी डैमेजेस? नो डैमेजेस। नाउ यू कैन वर्क वेरी इजीली। एंड हाउ अबाउट द सर्किट डायग्राम? हाउ वी आर टीचिंग यू? Excellent. What you want to suggest some other person if they want to come here and join this class? What you want to say then? Phone Fix Hyderabad is the best one here. Okay, one more class कर दीजिए। Thank you very much. ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या मिला आपने को? एक जीरो का रजिस्टर। इसके बाद में लाइन ये कहाँ जा रही है? आगे। कहाँ पे? आगे। कहीं से शुरू होती है कनेक्टर से तो आईसी को जाती है, या आईसी से शुरू होती है तो कनेक्टर तक आती है, या दूसरी आईसी तक जाती है, या फिर कोई टिप पे आके खत्म होती है। तो ये लाइन कहाँ जाके खत्म हो रही है कौन बता सकते हैं? इसमें से आके ये लाइन आगे कहाँ जाके खत्म हो रही है? शाइन बताओ। तो शाइन सामने बैठे जो बता रहे, सबको आना चाहिए ये तो। देखो कितना सिंपल चला गया है। चलो आगे क्या मिला भाई? आप ही एक्सप्लेन कर दो क्या मिल रहा है। घूम मत, घूम छोटा मत कर। क्या मिल रहा आगे? क्या मिल रहा है? नंबर क्या है? 910। कितना नंबर पिन हो गई वो? 14 नंबर। तो कहाँ पे आया ये? कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर है इधर देख के बताइए? ये है कौन सा कनेक्टर? डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले जिसमें लाइट का सप्लाई हम देख रहे हैं। तो ये C910 जो कैप मिला बोर्ड में कहाँ लगे वो भी बता दो जरा जल्दी से। मिल गया भाई। बंगाल में कहाँ से हो? बंगाल से हुगली आरामबाग। हुगली आरामबाग। मेरे को बोलने में नहीं आ रहा। खैर कब से काम कर रहे थे आप?
5 साल से कर रहे थे, अभी 5 दिन की ट्रेनिंग हुई, कितना डिफरेंस आ गया तुम्हारा पहले में? डिफरेंस आ गया। क्या क्या कर लिए थोड़ा सा बताओ? आईसीबी बॉलिंग, सीक्यू डन कर लिया, उसके बाद सब सेक्शन पढ़ लिया, सारे सेक्शन पढ़ लिए। अभी ये जो डायग्राम इजीली ऐसा ढूंढ ले रहे हैं, लाइन भी ढूंढ रहे हैं, जाके सर्च भी कर रहे हैं, कैप्चर भी ढूंढ रहे हो, सारी चीज ढूंढ रहे हो, सीरीज पैनल भी क्लियर हो गया आपका, तो पहले ऐसा करते थे क्या? पहले ऐसा नहीं आता था। कहाँ सीखे सब कुछ? इधर ही सीखे। इधर ही सीखे, कितने दिन में सीखे? इतना 5-6 दिन में। तो ये इतना अभी सर्च भी कर रहा है, ढूंढ के बता रहा है, ये बड़ी बात है कि नहीं है इसके लिए? एक बार जोरदार क्लैप्स करिए इनके लिए। बंगाल से कोई आना चाह रहे उनको क्या बोलना चाहेंगे बंगाली में बताइए? पश्चिम बंगला थे जरा आस्ते जाओ, आस्ते बारो सब, देखने खूब भलो सीखाना हो, और आस्ते बारो सब। कब से कब तक क्लास हो रहा है ये भी बता दो। 10:30 से 8:30 तक रात को क्लास हो रहा है। प्रैक्टिकल के बारे में बताओ, कब से कब तक कर रहे हो प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल 2 बजे से रात 8:30 तक। क्या क्या सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल में आपको? प्रैक्टिकल में वो सीक्यू रिवॉल्विंग, आईसी फिक्सिंग और रीडिंग। आईसी कौन सा आईसी खोल लिया? कौन सा आईसी खोल लिया? सीपीयू पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड सब हो गया। हो गया, कोई भी सेट आया तो अभी पेस्टेड आईसी खोल सकते हैं? हाँ सर, खोल। ब्लैक है या व्हाइट है? हाँ। ये एक नहीं भाई, यहाँ पे सब लोग थोड़ा इधर बताइए, कौन कौन कर लिया व्हाइट पेस्टेड अभी तक? सब लोग ब्लैक पेस्टेड भी खोले आप लोग? ट्रिक कैसा लगा? इजी है, डैमेज तो नहीं हो रहा, बोर्ड डैमेज हो जा रहा है, इधर से आईसी डैमेज हो जा रही है, ऐसा तो नहीं है? अभी कितने दिन हुए आपके सली? अगर मैं 50 दिन बाद पूछूं आईसी के बारे में खोल सकते हो क्या? बोलो भाई, परफेक्ट मास्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे आईसी निकालने लगाने में? बनेंगे ना, कुछ बोलना चाहते हो? एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप करिए। कहाँ तक आगे थे अपन? लाइन तक 910 कैपेसिटर तक। कहाँ तक? 910। इसके बाद ये एनोड की लाइन हमारे कितने नंबर पिन पे गई? कितने नंबर? 14। अच्छा, अभी सबसे पूछ रहा हूँ मैं, विदाउट डायग्राम एनोड की लाइन, विदाउट डायग्राम एनोड लाइन कनेक्टर में सब ढूंढ सकते हैं? कौन कौन? विदाउट डायग्राम समझ में नहीं आया। विदाउट डायग्राम, डायग्राम आया नहीं, कोई नया सेट आ गया हमारे पास, एनोड की लाइन 40 पिन का कनेक्टर है, कौन कौन ढूंढ सकते? सब लोग ढूंढ सकते ना भाई? ट्रिक बताया मैं पहले आपको, कैसे ढूंढना है बताया कि नहीं बताया? चलो, पहले कभी देखे थे क्या ऐसा? नहीं देखते थे। चलो, यहाँ पे हमारी ये लाइन कौन सी कंप्लीट हो गई? पूरी एनोड लाइन। तो यहाँ आईसी में कितने पिन कंप्लीट हो गए हमारे? 2 पिन। तो यहाँ पे 6 पे जब पॉजिटिव दिए थे हम, साथ में क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आईसी के लिए ग्राउंड सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे ग्राउंड पिन कितने नंबर पे आ रहे? 3 नंबर पे। और 2 नंबर क्या है हमारा? कोई सप्लाई नहीं है उसमें, वो पिन हमारी खाली है। क्या है? खाली है। अब बचा क्या है यहाँ पे? एक नंबर से जो सप्लाई निकली हमारी, सबसे पहले क्या मिला अपने को? ये जो डायग्राम हम यहाँ पे बनाए, ये कहाँ से देख के बनाए? डायग्राम से। ये सब बना सकते ना भाई? बनाए ना आप लोग? नोट्स भी बनाए होंगे, बना रहे ना ये लोग? तो हम आपको पहले से मालूम रहता है यहाँ ये पैरेलल में एक रजिस्टर लग के है या सीरीज में रजिस्टर, पहले से कुछ आइडिया रहता है क्या आपने? कंपनी वाला क्या लगाया वो हम कहाँ से देखते हैं? डायग्राम से। और ये सबको आ रहा समझ में? अभी रीड करने आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो। यहाँ पे एक रजिस्टर मिला, उसके बाद सीरीज में क्या मिला आपने को? नंबर क्या है? 9-9-4। बोर्ड में कहाँ है भाई? 9-4-4। जाओ बताओ, यहाँ पे बता दो डायग्राम में कहाँ पे? इसी में। इसी में? हाँ इसी में बताओ। 9-4-4। 9-4-4 यहाँ देखो, यहाँ सी नहीं यार, मिल गया अपने को। सीरीज लेके पैरेलल है, आप बताओ सीरीज लेके पैरेलल में हो? पैरेलल सर। एक क्या है सीरीज? कितना वैल्यू का है? 0। हाँ 0। अब ये रजिस्टर बोर्ड में कहाँ लग के बताओ? मिल जाएगा सर, बताओ ढूंढ के मिल जाता, वो तो हमारे भी वैल्यू है, बड़ा हैबत में है और जल्दी में है। ठीक है, नर्वस हो गया, देखा आते ही कहाँ मिला आपने को? मिल गया ना, एक बार जोरदार क्लैप्स उनके लिए। रिंकू तुम कहाँ से बताओ? उड़ीसा भुवनेश्वर सर। भुवनेश्वर से कब से काम कर रहे थे? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया और आज 5 दिन की ट्रेनिंग हो गई, पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया? बहुत हो गया सर।
कितना तो कुछ भी नहीं आता था, डायग्राम रेड करना, कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं, कैसे जाते हैं, कुछ नहीं आता था। ऐसी वगैरह रिवॉल्विंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं। पहले दिन से तंग करता था सर, मेरा सीपीयू रिवॉल्व होता क्या, पावर होता क्या। आज पांच दिन हो गया, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, अभी सीपीयू रिवॉल्व हो जाता? सीपीयू हो गया, पावर हो गया, ईएमएमसी हो गया। नॉर्मल करे, उसमें पेस्टेड में कुछ खोले? ब्लैक और व्हाइट पेस्टेड खोल, दोनों खोल लिए। खोल लिए। कुछ डैमेज हुआ? नहीं सर, डैमेज कुछ नहीं। इजी लगा? इजी लगा। मैं कैसा लगा ट्रिक यहाँ का जो हार्डवेयर में सिखा रहे हो? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं सगीर सर, सागर सर, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उनका ट्रिक बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, और प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में बताओ कैसा पढ़ा रहे? फिरोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, दिल से बोल रहे जबरदस्ती? नहीं सर, आप अच्छा बोलिए, बोल रहे थे ऐसा भी नहीं है। नहीं, समझ में आ रहा जो पढ़ा रहे? पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, कहाँ से बोलिए आप? ओडिशा। ओडिशा से? ओडिशा से कोई आना चाहे तो ओडिया में बताओ क्या बोलना चाहेंगे? भाई देखो, कहा मोबाइल रिपेयरिंग में डीप नॉलेज होगा, पूरा डीप नॉलेज। पहले किसी को देखा होता है, एक तरह का फोन फिक्स हैदराबाद, एक नंबर इंस्टीट्यूट इंडिया का। रहने खाने का कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन है, हॉस्टल फ्री है पूरा एकदम, और जो खाने का कर लो फ्री एकदम, एकदम फ्री है। और खाने का अपने से टिफिन वाला उधर ही रहता है, वो आके देखा जाता है। अच्छा, नीट के लिए नहीं? हॉस्टल? हाँ, पूरा अच्छे सोचते दूर आए तो रहने के लिए सब लोग बताओ। एक बड़ा रूम रहता है पूरा, एक बड़ा रूम रहता है पूरा, उसमें चार जन आराम से चाहे तो आठ भी सो सकते, लेकिन हम चार जन ही रहते हैं एक एक रूम में। अच्छा बड़ा रूम, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बताओ, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं आप, थ्योरी भी कर रहे हैं, कितना घंटा क्लास चल रहा है? सर सुबह हमारा प्रैक्टिकल चलता है 10:30 से, थ्योरी वाला चलता है 10:30 से 1:30 बजे तक चल जाता है। उसके बाद लॉन्च होता है 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, उसके बाद प्रैक्टिकल चलता है 2 बजे से रात 8:30 बजे तक, और बीच में एक चाय ब्रेक होता है 5-10 मिनट का। अच्छा ठीक है, एक बार जोरदार इनके लिए। अभी मेरे को ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आप में से कोई ऐसा है क्या जो कि एक आईसी रिवॉल्व कर नहीं किया अभी तक? आईसी सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा के बाद, सबको आ रहा है रिवॉल्व करने? सक्सेस भी सब? अच्छा, 4G Android में आईसी लगा के कितने लोग ऑन कर लिए? सारे सर, सारे, थोड़ा हाथ उठा के बताना है भाई। पावर, ईएमसी, सीपीयू सब कर लिए? सब करे कि नहीं करे भाई? खाली ऐसा तो नहीं है खाली कीपैड में काम कर रहे हैं? नहीं सर। हाँ, कोई भी सेट आए तो कर सकते ना अभी? पेस्टेड ऐसी खोलने कोई डर तो नहीं है? ब्लैक पेस्टेड सबसे हो रहा है अभी? अभी तो 5 दिन हुए, पूरा महीना भर आपको यही करना है, प्रैक्टिस करना रहता है खाली, मतलब एक दिन में किसी को भी नहीं आता है, अपने को प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आएगा अपना स्किल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। मेन क्या चाहिए था आपको, क्या टूल्स नहीं थे क्या आपके पास? सजार जी आप बताइए थोड़ा सा, कहाँ से आप? सर पंजाब से हूँ, मैंने 5 दिन में ड्यूअल डाटा कंप्लीट किया। क्या बात है, एक बार जोरदार इनके लिए। क्लास में देखो 5 दिन में है, और सबका हैंड स्किल, सबका लेवल अलग रहता है, कभी पहले से काम करते हैं या कुछ भी है। तो सजार जी आप ही बता दो, पंजाब से कहाँ से आप? शाह उशारपुर से, ठीक है। तो अभी पहले में और अभी 6 दिन हो गए आज को अपने को, तो बहुत फर्क है। कितना फर्क आ गया आपको? 50% से ज्यादा। कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? पूरा इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उतनी दूर ऊपर नॉर्थ से पंजाब से इधर साउथ में क्यों आ गए आप? जैसे आप बता रहे हैं ना, ऐसे कोई बता नहीं रहा इंस्टीट्यूट वाला जी, जो थ्योरी है जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर हो रहा है ना, वैसे कोई इंस्टीट्यूट बता नहीं रहा। क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग पैसे दे के कुछ खिला पिला के जबरदस्ती तो नहीं पूछ रहे ना आपसे, मेहनत करने बोल रहे हैं और खुद भी मेहनत कर रहे हैं, छोड़ के तो नहीं चले जाते आप लोगों को? बोलो भाई। नहीं सर। आपके साथ रहते कि नहीं रहते पूरा दिन? हर टाइम सर, 3 साल रहते हैं, प्रैक्टिकल में भी थियोरी में भी, हर टाइम साथ रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं आपका क्या हुआ, कैसे करे, कोई दिक्कत आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हर टाइम बोलते रहते हैं। तो आके आपको पूछते नहीं हुआ तो सामने बिठा के भी कराते हैं आप? कराते कि नहीं कराते? अरे इनको नहीं आ रहा, फ्रेशर है, छोड़ दो, ये नहीं कर पाएगा ऐसा, तो ऐसा नहीं सिखाते भाई, यहाँ पे तो हाथ पकड़े ही सिखाते हैं। जी जी जी, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं कानपुर से, दीपक। पहले कब से काम कर रहे थे आप? सर वैसे तो मैं 2004 से कर रहा हूँ, बट बीच में मैंने 4-5 साल काम नहीं किया था, बट अभी यहाँ आके ये है कि वापस प्रैक्टिस करने लग गया हूँ। यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि दूसरी जगह भी जाते थे वहाँ पे कहते थे देख के सीखना है, बट यहाँ पे क्या है कि हाथ पकड़ के सिखाते हैं और मेहनत खुद भी करते हैं सर यहाँ पे सारे, और हमसे भी पूरी पूरी मेहनत करा रहे हैं। अगर हमसे कुछ डाउट रह भी जाता है तो रात को स्पेशली हॉस्टल में आके सर रात को 11 बजे भी आते हैं, 12-12:30 बजे तक हमको
दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अच्छा, आपको तो, जो डाउट्स है वो क्लियर होते हैं ना उसमें? एक्स्ट्रा टाइम हम तो बोलते नहीं है किसी को भी, क्या रात में भी हम बढ़ाएंगे बोल के, है ना? आप लोगों के कुछ डॉट्स होते हैं तो कंपलसरी, क्योंकि नई चीज पहली बार सुनते ही किसी को समझ में आता क्या? थोड़ा टाइम लगता है आपको। डे वन से अभी तक बहुत सारा आप में चेंजेस आया होगा, पहले काम कर रहे थे और अब काम करने में बहुत सारा नजरिया चेंज हो रहा होगा सेक्शन में। 3 डेज हुआ है लेकिन मैं तो काफी कुछ क्लियर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी डीप नॉलेज मिल रही है सर। यहाँ डायग्राम वगैरह अभी रीड कर पा रहे हैं? बहुत इजी है, बहुत आसान लग रहा है। बहुत आसान। यहाँ आने से पहले क्या लगता था डायग्राम देख के? थोड़ा भूल गया था क्योंकि पहले तो इस तरह से बोनी वगैरह नहीं आता था। पहले हम लोग डायग्राम बुक लेके उसमें देखते थे, उसमें तो पूरा पूरा दिन सिर खपाते थे कि ये कंपोनेंट कहाँ लगा ये। आप तो बोनी इतना इजी है, और जो आपका समझाने का ट्रिक है वो इतना इजी है कि हम एक सेकेंड में ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा है और किसका क्या वर्क है। हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं किससे पढ़ते हैं? सर्किट डायग्राम से पढ़ते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के पढ़ते हैं? बोलो भाई, सर्किट डायग्राम से पढ़ते हैं। हार्डवेयर सर्किट डायग्राम से, हार्डवेयर सॉल्यूशन हमको मतलब आप पढ़ते नहीं, सर्किट डायग्राम और लेआउट से हम पढ़ते हैं। हमें स्कीमेटिक समझना जरूरी है, डायग्राम कहाँ से क्या आता है और क्या उसका वर्क है, क्योंकि कल के दिन अगर बोर्नियो वाला बंद कर दिया तो हम बैठेंगे क्या हार्डवेयर सॉल्यूशन के लिए? बोलो भाई, नहीं बैठेंगे ना। तो मेन क्या आना चाहिए आपको? रीड करना आना चाहिए डायग्राम, रीड करने। सर अगर ये समझ में आ गया कि कौन से कंपोनेंट का क्या वर्क है तो सॉल्यूशन तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे उसका। वेरी गुड, किसका क्या वर्क है कैसे चेक करना है, कहाँ पे लगा है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, कहाँ पे आपको सिग्नल आ रहा है, यही मालूम होना होता है ना। yes, ये तो हम कहाँ से सीख रहे हैं सब कुछ? डायग्राम से। yes, कहाँ से? सबको बन रहा है ना अभी डायग्राम रीड करने? ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार क्लैप सबके लिए। कहाँ तक आ गए थे अपन? एक नंबर पिन तक। एक नंबर हमारा क्या हो गया आगे जाके? कैथोड, कैथोड वन, और आगे से यही सप्लाई है कैपेसिटर के थ्रू कैथोड टू। बस क्या गया इसमें हमारा? पांच नंबर पिन। पांच नंबर पिन को हम क्या बोलते हैं? सीएबीसी और पीडब्ल्यूएम, जो कि पांच नंबर से निकल के कहाँ तक कनेक्टेड है हमारी? सात नंबर तक कनेक्टेड है। ठीक है, तो यही चीज अगर अच्छे से सीखना है जो देख रहे हैं लोग उनको क्या बोलना, कहाँ सीखना होगा अगर प्रॉपर सीखना है तो? वीडियो में देखने से मिलता क्या सब कुछ? बता भी दूं तो नहीं समझ नहीं आता ना भाई, एक बार जोरदार क्लैप सबके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कट कर दो। शकील बंसारी। किधर से? कर्नाटका से। कर्नाटका से? पहली बार बनाए ये? हाँ सर, पहली फर्स्ट टाइम। हाँ सर, बन गया इजीली बन गया? हाँ सर, आपके ट्रिक से बहुत इजी बन गया सर। सब लोग देखे लाइव बनाए ये? हाँ सर। वेरी नाइस भाई, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। पूरा आन होने दो। ओके, वेरी नाइस।